वीडियो में मैं आपको हिमाचल के 150 साल पुराने घर में लेके जाने वाली हूँ, जो बड़े से बड़े अर्थक्वेक से भी सरवाइव कर गया है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये घर बना करते थे उस टाइम पे, जो कि ठंडी से ठंडी जगह पर अर्थक्वेक भी सरवाइव कर जाता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हर जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हिमाचल में मनाली के पास मंसारी गांव में मैं मिली थी इन अंकल से, जिनका ये 150 साल पुराना घर है, और उन्होंने मुझे अपना पूरा घर का टूर दिया था एंड बताया था कि कैसे उस जमाने में ये पुराने घर बना करते थे। चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्ते जी। नमस्ते। चलिए, आप ही का है पूरा घर? हाँ, ये मेरा प्राचीन घर है, काष्ठ कुणी शैली में बना हुआ है। अच्छा अच्छा। इसमें बिल्कुल जो है लकड़ लकड़ का बना हुआ, पत्थर एक मामूली मामूली है। 150 साल पुराना मकान है ये, काट कुणी शैली के मकान है। हाँ। कितना भी भूकंप आए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका घर। ये है पूरा घर का। हाँ, ये अच्छा अंदर है, अंदर का। और ये जो एक ही पीस का बना है दरवाजा। अच्छा, बिल्कुल एक किलने लगी है। और पूरे घर में कहीं भी नहीं है दरवाजे। हाँ, से लेकर। हाँ, बस एक ही एंट्रेंस था। हाँ, पहले। अच्छा, यहीं से फिर ऊपर जाने का था। यहीं से ऊपर जाने का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खोलता है ऐसे था। ये था, ये था। अच्छा, समझ गए। इधर से अब ऊपर जब पूरा एक लॉक हुआ तो फिर कोई ऊपर ही नहीं जा। ये जैसे अभी आप देखेंगे तो सारा लकड़ी है ना, ये लकड़ी है, एक एक पेड़ का, ये छोटा छोटा पेड़। ये लगभग 2-2.5 फुट दीवार है चौड़ी। हाँ जी। उसको जॉइंट जो लकड़ी से ही देते थे। अच्छा। किल बिल्कुल नहीं, लकड़ी वो खुदाई करना, फिर उसको जो है इस ढंग से बनवाना, जैसे ऐसे आगे से, फिर वो इस तरह बिल्कुल जुड़ जाता, एकदम जुड़ता था एक दूसरे में, आगे पीछे जॉइंट दे के जो है वो बिल्कुल। तभी तो एक भूकंप कितना दौड़ है, ये मकान जो कभी डैमेज नहीं हो गए। लाइट वाइट तो है ना, कब से आई है लाइट? लाइट उस वक्त लाइट नहीं थी, 45 ईयर्स एगो। 45 ईयर्स एगो, उससे पहले तब तक लाइट का कोई नहीं था। तो फिर कैसे होता था सारा? फिर हमारा ऐसे होता था, कुछ मिट्टी तेल का होता था, कुछ हम जैसे लकड़ी होती थी ना जंगल की, वो बिल्कुल उसी में आग लगा बिल्कुल जलती थी, मिट्टी तेल की तरह। फिर खिड़की खाड़की का कुछ सिस्टम नहीं था उस वक्त। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें खिड़की नहीं है इस घर में, जो ये थे मधुमक्खी के। अच्छा, तो यहाँ पे आती थी या कैसे? आती थी यहाँ से। अब तो खुला रख दिया ना मैंने, यहाँ बंद करना बाहर से आ जाते थे मधुमक्खी। अच्छा, तो फिर वो घर में काटती नहीं थी? बंद करते थे ना यहाँ पर से। अच्छा, मतलब छज्जा उसका बाहर होता था इससे। अच्छा अच्छा, समझ गए। तो शहद भी फिर यहीं से मिल जाता है? शहद इधर से निकालना, मधुमक्खी की एंट्री बाहर से। अरे बढ़िया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। एंड इसी तरह के ट्रैवल वीडियोस आप हर जिंदगी के वेबसाइट पेज पे भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।